अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं बदीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का वीडियो है वो हम बना रहे हैं इर्तज़ा शूटिंग सेंटर ज़ेर जामिया मस्जिद अल सादिक बहावलपुर क्लाथ मार्केट शाही बाज़ार बहावलपुर में। ठीक है, तो आपको आज हम दिखाएंगे गोटे के सूट्स और मुकेश के सूट्स। जब बहावलपुर का नाम आता है तो गोटा मुकेश तो जहन में लाजमी आता है, और इसी तरीके से जब आप को शादी पे होता है ना फैमिली में, तो जितने मर्जी डिज़ाइनर्स के कपड़े ले लें लेकिन बहावलपुर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि हमें वहाँ से मुकेश और गोटे चाहिए, ये चाहिए होते हैं। तो मज़ाक के अलावा आपको बहावलपुर के आज हम रीज़नेबल गोटे के सूट्स भी दिखाएंगे, और फैंसी प्योर वाले चुनरी और ये वाली चीज़ें भी दिखाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हम आप लोगों को आज दिखाएंगे एप्लिक की बहुत सारी वैरायटी। आज की वीडियो में आपको बहुत सारा एप्लिक देखने को मिलेगा। इसके अलावा सिर्फ प्योर या बैम्बर या क्रिंकल शिफॉन या डल प्योर सोनी धरती वगैरह नहीं होगी। आज आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा लॉन, बहुत सारा रॉ सिल्क, और इसके अलावा चादरें, दुपट्टे, ट्राउज़र्स, सब कुछ होता है इनके पास। ठीक है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज़। तो ये देखिए, ये वाले दुपट्टे हैं जिसके अंदर मतलब हाथ की सुई का काम हुआ हुआ है, ख़ुद से बनवाए हुए दुपट्टे हैं। एक और मिसकंसेप्शन है कि सारे ये सोचते हैं कि दुपट्टे तो सिर्फ मुल्तानी दुपट्टे होते हैं। मैं ख़ुद यही सोचती थी अभी कुछ महीने पहले तक कि मुल्तान में ही सारे दुपट्टे बनते हैं, दुपट्टे तो मुल्तानी होते हैं, लेकिन बहावलपुर में भी दुपट्टे होते हैं, वो लोग ख़ुद बनवाते हैं दुपट्टे, उनके डिज़ाइन थोड़े चेंज होते हैं और उसके ऊपर उनका अपना काम होता है, कपड़े की बेस चेंज होती है। और इसके अलावा डीजी खाम में भी बनते हैं, हर शहर का ना, ये जितनी जनूबी पंजाब के शहर हैं यहाँ पे हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है, तो वैसे वैसे जैसे जैसे शहर चेंज होता है वैसे वैसे उनके अपने दुपट्टे, उनके स्टाइल चेंज होते जाते हैं, सब मुल्तान में नहीं बनते हैं। तो इसके अलावा ये कि इनके पास ना प्रिंटेड सूट लॉन के भी होते हैं और पेपर कॉटन के भी, इस तरह बोटीक स्टाइल जो सूट्स होते हैं ना लॉन पे बने हुए, वो भी और पेपर कॉटन भी होती है। ये तो खैर लॉन है जो आप देख रहे हैं, इसका दुपट्टा शिफॉन का है, तारकशी और कच्चे के काम के पैटर्न को ना इन्होंने यहाँ पे कॉपी किया है मशीन एम्ब्रॉयडरी के साथ। इसके अलावा जो एप्लिक है ना, एप्लिक की इतनी वैरायटी है, लेकिन सारी वीडियो में अलग अलग करके लगाई हुई है, एक ही जगह आपको सारी वैरायटी नहीं देखने को मिलेगी। कैश ऑन डिलीवरी भी इनके पास अवेलेबल होती है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पूछते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी है, तो वो भी है। और इस टाइप के ना एप्लिक के स्टाइल में, यानी कि एम्ब्रॉयड्री की हुई मशीन एम्ब्रॉयड्री अजरक वाले जो सूट है ना, ये भी इनके पास अवेलेबल हैं। ये बहुत पॉपुलर डिज़ाइन है और गर्मियाँ आते ही ये ऐसे ख़त्म हो जाता है, कहीं किसी दुकान पर नहीं मिलता, मार्केट में फिर चंद एक दुकानों पर होता है, तो इनके पास है। और ये ओरिजिनल एप्लिक है, ये कढ़ाई नहीं है, कॉटन लॉन के ऊपर एप्लिक, असल अजरक एप्लिक, बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, बड़ा यूनिक है, इसी सीज़न में आया है, ये भी अवेलेबल है। और इसके अलावा इस टाइप के जो मशीनी क्रॉस स्टिच वाले सूट हैं, थ्री पीस हैं, ये भी इनके पास मौजूद हैं। इसके अंदर आप खुद कलर देखें, मतलब पिंक है, येलो है, और इसके अलावा पिस्ता कलर है, पीच कलर है, वाइट एंड ब्लैक तो है ही, तो बहुत सारे कलर्स इनके पास ना इसके अंदर मौजूद है। तो अभी तक जहाँ भी मैंने देखा था ब्लैक और देखा था ज़्यादा, और थोड़ा एक आध पीस वाइट का होता था, लेकिन ये वाले कलर भी इनके पास मौजूद हैं। काफ़ी अच्छी वैरायटी है, बहुत प्यारे लगते हैं, मल्टी कलर ऊपर कढ़ाई हुई हुई है और रीज़नेबल भी होते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप एक दफ़ा हमारा चैनल देखने लग जाए उसके बाद आप कहीं और से कपड़ा इंशाल्लाह खरीदेंगे ही नहीं, आपको इतने सस्ते और इतने अच्छे कपड़े हम लोग दिखाते हैं। अब ये देखें, ये वाला भी, और इतने प्यारे होते हैं और इतनी अफोर्डेबल प्राइस में होते हैं ना कि आप बाकी सारी जगहों को भूल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम आपको आज एप्लिक दिखाएंगे, तो ये एप्लिक के सूट हैं, ये कढ़ाई कोई नहीं है, हाथ की बनी हुई असली एप्लिक है। और इसके अंदर आपको दो स्टफ़ के ऊपर एप्लिक मिलेगी, बल्कि बहुत सारे स्टफ्स के ऊपर इस शॉप पे आपको मिलेगी, यानी जिसमें लॉन भी आ जाती है, प्योर लॉन, पेपर कॉटन भी आ जाती है,
उसके अंदर आप लोगों को, और खड़ी जो हैंड वूवन कपड़ा होता है वो भी आ जाता है। तीन चार तरह के चीज़ों पे आपको एप्लिक यहाँ वही मिलेगी, और एप्लिक की भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे एप्लिक पत्ती हो गई, एक क्लासिक एप्लिक होगी वो भी, और इसके अलावा ये वाले सूट बोटीक स्टाइल सूट सबकी वार्डरोब में, आई एम श्योर अभी तक एक एक ऐसा होगा, अगर नहीं है तो बना लीजिए क्योंकि ये भी बड़ा ट्रेंड में है। तो इस टाइप के ये वाले सूट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, स्टील हैं इनके पास, और ऐसे ये सिंधी एम्ब्रॉयडरी वाले, मशीनी एम्ब्रॉयडरी है ये लेकिन सिंधी कढ़ाई है इस टाइप के, और ये गोटा लगा हुआ है सारा, सीप गोटा लॉन के सूटों पे ये वाली चीज़ भी इनके पास मौजूद है। और ये कांथा है, अब ये कांथा में कलर भी उन्होंने साथ रख दिया आपके आसानी के लिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए। गोटा का दूसरा डिज़ाइन है, इसके अंदर भी कलर रखती हैं कि ये वाले कलर्स मौजूद हैं। क्रॉस स्टिच है तो इसके अंदर भी, ये सारा हाथ का है ठीक है, जो मशीन का होता है वो मैं बता देती हूँ। ये जो सारा आ रहा है ना, ये शीशा गोटा गोटा और इसके अलावा कच्चे का काम, ये सारा हाथ का है, ये मशीन का है ठीक है, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये भी मशीन का, लेकिन आप इसका देखें कितना खूबसूरत इंडियन दुपट्टा है, और इसके अंदर ना कलर्स भी आपको देखें बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। तो ये वाले आर्टिकल भी होते हैं, मतलब मशीन की एम्ब्रॉयडरी वाले भी होते हैं, इस टाइप के बुटीक स्टाइल भी होते हैं, और ऑफ कोर्स हाथ की कढ़ाई के भी बहुत सारे आर्टिकल इनके पास मौजूद हैं। इस टाइप के जिसके अंदर स्क्रीन प्रिंट हुए हुए खाड़ी जो कपड़ा होता है उसके ऊपर एप्लिक किए हुए वो, और फिर इस तरह के रेप्लिका जो सूट्स होते हैं, बल्कि ये रेप्लिका नहीं है क्योंकि ये एक स्मॉल ब्रांड ने, अभी वो इतना फेमस नहीं हुआ, न्यू ब्रांड है, उनके बनाए हुए कपड़े हैं और काफ़ी अच्छा इनका भी स्टफ़ होता है। तो ये थ्री पीस सूट्स भी इनके पास मौजूद होते हैं अगर आप लोगों को चाहिए हो, और कोई बंडल का प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं, आपको स्टिच करवाने हैं, आपको स्टिच करवा के देने वाला पाकिस्तान में नहीं है, तो ये आपको स्टिच भी करवा देंगे। आपको ऑर्डर अगर अपना कस्टमाइज़ करवाना है, लाइक कोई हाथ की कढ़ाई में कोई चीज़ आपको कस्टमाइज़ करानी है, वो भी करा देंगे। और अगर आप प्योर में या बैम्बर वगैरह में कपड़े ले रहे हैं और उसके अंदर ना आप लोगों को साथ शमीज़ और ट्राउज़र चाहिए तो वो भी लेके दे देंगे। वीडियो को स्किप ना करना, एंड में आप लोगों को वो चिकनकारी की शर्ट्स जो अब नहीं मिल रही हैं, ख़त्म हो गई हैं, अब और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। एक तो शिफली को इतना चिकनकारी करके लगा दिया गया है कि बंदा कन्फ्यूज़ हो गया कि असली चिकनकारी कौन सी है। तो आप लोगों को असली जो चिकन इंडियन लखनवी कुर्ते होते हैं ना, अनस्टिच वाले, अच्छी लॉन वाले, वो भी एंड में दिखाऊँगी। और ये देखिए एप्लिक के उसमें जो पहले आपको दिखाया था उसके कितने सारे कलर्स भी मौजूद हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ये सिंधी वाले के इस टाइम ना आपको दिखा रहे हैं बहुत ही स्टाइल, जो सिंधी सूट्स होते हैं पहने हुए बड़े प्यारे लगते हैं। ये
प्रिंट के सूट्स भी होते हैं, इस तरह चुनरी गोटे वाले सूट्स भी इनके पास होते हैं। ब्लॉक प्रिंट के ये वाले जो हमारे मुल्तानी ब्लॉक प्रिंट या राजस्थानी ब्लॉक प्रिंट वाले सूट्स होते हैं, ये टू पीस होते हैं हमेशा, शर्ट और दुपट्टा। और ये ट्राउज़र है, ठीक है, इसके ऊपर काम हुआ हुआ है, बहुत अच्छे वाला काम हुआ हुआ है। इसके अलावा ये इस टाइप का मशीन एम्ब्रॉयडरी वाले भी होते हैं, मतलब सारा मिक्स करके ना आपको एक दिखा दिए मिक्स। मतलब हमारे जब शॉपकीपर भाई जब हम जाते हैं ना उनकी शॉप पे, मैं जाती हूँ और मैं वीडियो बनाने लगती हूँ, तो अगर सारी वैरायटी की इकट्ठी वीडियो बनाने हैं तो वो कहते हैं बाजी एक मिक्स फ्रूट चाट वीडियो बना दो। तो आपको ये हमने मिक्स फ्रूट चाट वैरायटी दिखा दी है, ठीक है। इसके अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें जो सी हैं देखने को मिल रही हैं, कभी कोई मशीन एम्ब्रॉयडरी वाली चीज़ आ जाती है, और कभी कोई बैम्बर की, कभी कोई प्योर की, कभी चुनरी आ रही है, कभी गोटा आ रहा है, कभी कैजुअल आ रहा है। तो ताकि आप लोग बोर ना हो, मिक्स फ्रूट चाट है, सब कुछ इंजॉय करें, ठीक है। ये एप्लिक की चादरें हैं, बाहर जाते हुए जिस तरह पर्दे के लिए चादरें चाहिए होती हैं, तो ये एप्लिक की चादरें हैं। ये हाथ का बना हुआ एप्लिक है, अच्छी वाली चादर है, आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सारी सुई से एप्लिक बनी हुई है, तो इस तरह की चादरें चाहिए होती हैं गर्मियों में, अच्छी भी लगती हैं, प्यारी भी लगती हैं, और पर्दा भी करना होता है तो ज़ाहिर ज़रूरी भी होती हैं। तो आप लोगों को एप्लिक की चादरें, और इसके अलावा आप भी, आपको दिखा देती हूँ मैं चिकनकारी के कुर्ते, ठीक है, तो वो भी। और ये कमल हफ्ता वाले सूट का एक और कलर है, ये भी देख लें। अच्छा ये देखें, ये आगे चिकनकारी के कुर्ते, ये ऑर्गेन्जा पैच के साथ हैं, चिकनकारी के काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, पसंद किए जाते हैं। इवन अभी तक मुझे रिक्वेस्ट आती है कि बरीरा वो चिकनकारी के कुर्ते दिखाओ, ये जितने दिखा दिए जाएँ काम में, लेकिन ये एक्सक्लूसिव वैरायटी अब मार्केट में नहीं मिल रही है, क्योंकि ट्रेड इंडिया के साथ बहुत महंगी हो गई है। किसी और कंट्री में मंगवा के वहाँ से यहाँ तक मंगवाने का अलग ही शिपिंग, मतलब बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, तो इसलिए अब काम इतना वो रहा नहीं है इंडिया के साथ, जिस तरह पहले ज़्यादा सामान होता था हमारे पास। तो इसलिए अब ये आप लोगों को मिलेंगी और अफोर्डेबल प्राइस में मिलेंगी बाकी शॉप्स की निस्बत, तो यहाँ भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये देख लीजिए, इसके अंदर मतलब अजीब सी रेप्लिका टाइप की और चीज़ें बहुत मार्केट में आ गई, लेकिन इस टाइप की चीज़ें नहीं अब मिल रही हैं। तो ये साल दो साल पहले के फैशन थे, मतलब उस टाइम मिल जाती थी जब ट्रेड आसान थी, तो अब भी नहीं मिलती है, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे आपको मिलेंगी। आज का वीडियो इतना ही था, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह।